हेलो एवरीवन, इट्स मी कुमार सोनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस एंड अकॉर्डिंग टू माय सिस्टर इट मस्ट बी वेल्दी आल्सो। हैप्पी न्यू ईयर। सो डू यू नो दैट ऑन 1st January सो मेनी थिंग्स हैपेंड इन द वर्ल्ड, आई मीन इन द पास्ट। सो लेट मी गिव यू सम ओवरव्यू अबाउट दोज ऑल दोज थिंग्स। सो अच्छा ओके, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि ये जो हम लोग 1st January मनाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, ठीक है। और सबसे पहली बार ये मनाया गया था 1st January 1582 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जो कि अभी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसी को फॉलो करती हैं, ठीक है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर को। लेकिन ऐसे में कैलेंडर्स का बहुत सारा वैरायटी है, जैसे वो साक कैलेंडर है, फिर हिजरी कैलेंडर है, फिर बहुत सारा ऐसे करके, ठीक है। अरे कंट्रीज ही 200 के आसपास है, ठीक है, उस कंट्रीज में बसने वाले लोग कितने सारे हैं, सिर्फ अपने एक इंडिया में है ना, वो 150 के आसपास अभी तो होंगे, 150 करोड़ के आसपास लोग, ठीक है। अब बोला जाता है कि हमारे इंडिया में 4000 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं, है ना, और 200 से ज़्यादा लैंग्वेजेस। आई मीन डायलेक्ट का मतलब सिर्फ बोलियां, ठीक है, इनकी अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, और ये 200 जो लैंग्वेजेस हैं इनकी अपनी स्क्रिप्ट भी है, ठीक है। हाँ, ये ऑब्वियस सा बात है कि सारे को तो रिकॉग्निशन नहीं मिल सकता ना। तो आप जरा सोचो, ये कैलेंडर ये होता क्या एक्चुअल में। ये जो हमारा ईयर्स है, इस चीज को डिवाइड किया गया है, बस इसे डिवाइड करने का एक तरीका है ना। आज भी वो जो हमारा वो हिंदी वाला कैलेंडर, उसे क्या कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, इसमें 1st January आज के डेट में नहीं है। और कब है ये आपको बताना है, क्योंकि मैं भूल भी गया हूँ कि कब है, फिलहाल के लिए तो ये तो आप ही को बताना पड़ेगा, है ना। नीचे वैसे अगर आप नहीं बता पाओ ना, तो तब तक मैं ध्यान में लेके आ जाऊंगा भाई, ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। कभी कभी एक्चुअली हंसी मजाक के मूड में आज ज्यादा हूँ, और कभी कभी क्या, मैं हमेशा ही रहता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे ही रहना चाहिए, हल्के फुल्के आराम से रहिए इंसानों की तरह। हाँ, वैसे इंसानों से याद आया कि मैं ना आज सोच रहा हूँ कि एक सीरीज शुरू करूँ, ठीक है, कि जिसमें हमें पता चले कि हमारा एंसिस्टर्स, जो हमारे जो एंसिस्टर्स हैं वो कैसे थे, ठीक है। एक कॉमन सा फिलोसॉफी है, एक्चुअली प्रिंसिपल है, जो लोग समझते हैं कि पहले हम लोग बंदर थे, फिर इसके बाद धीरे धीरे वो चिंपैंजीज और ये सब करते हुए फिर फाइनली हम लोग ये जो इस पोजीशन पे है, बट ये गलत है, दिस इज नॉट द रियल फैक्ट। डू यू नो दैट अबाउट 2.5 फिर मैं इंग्लिश में बोलने लग गया, नहीं अब हिंदी में सिर्फ, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब लगभग ऐसा समझिए कि 25 लाख साल पहले, ठीक है, इतने टाइम पहले ही स्केलेटन्स मिला है, ठीक है। जो तो जैसा कि मैं बता रहा था कि 25 लाख साल पहले वो जो स्केलेटन्स मिला था ना, उसके बेस पे, और अच्छा ये स्केलेटन मिला था वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में, जिसमें से कि ईस्ट अफ्रीका ये सबसे पहला पार्ट था, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका, और इसके बाद धीरे धीरे एशिया, साउथ अफ्रीका, ये सब जगहों पे भी मिला है। अभी भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे हो सकता है कि मिले, ठीक है, क्योंकि डिस्कवरीज हो रही हैं आए दिन, है ना। तो इस पे हम लोग एक चीज़ समझते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कॉमन सा प्रिंसिपल हम लोगों ने बनाया हुआ है कि पहले मंकीज थे हम लोग, फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते 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 और अभी हम लोग इस पोजीशन पे हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उस टाइम पे, मतलब आइस एज और ये हर वक्त में, कम से कम 6 से 7 अलग अलग स्पीसीज था ह्यूमंस का, ठीक है, जैसे होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, होमो सेपियंस ये हम लोग हैं, ठीक है ना, होमो इरेक्टस ये हम लोग से थोड़े से ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग हुआ करते थे, और ये भी बिल्कुल एकदम अपराइट रहते थे, एकदम यूं सीना तान के, है ना, जैसे आजकल तो लोग सीना किसी और वजह से भी तानते हैं,
है कि नहीं? इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, हल्के फुल्के रहिए, क्या फालतू में अकड़ के फायदा क्या, अभी हड्डी उड्डी अकड़ जाएगा शुगर का, है ना? इसीलिए आराम से रहिए, हल्के फुल्के। नहीं, कई लोग का क्या होता है ना कि प्रॉब्लम ये रहता है कि पहले से उन्हें कुछ सक्सेस नहीं मिला हुआ रहता है कभी भी, तो एकाएक हल्का सा भी, एकदम छोटा सा भी अगर सक्सेस मिल जाए, यूं गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे बिल्कुल ही। ठीक है, इसीलिए भाई फूलिए मत, आप आराम से अपना काम करते रहिए, वो ज्यादा बेटर होता है एक्चुअली। नहीं, फूल के गुब्बारे की तरह कोई सुई चुभो देगा फिर फूस हो गए, फायदा क्या है उसमें। खैर, अभी इस पे आता हूँ मैं वापस। एक्चुअली मैं मज़ा लेता रहता हूँ कभी कभी, आप भी मज़ा लेते रहिए हैं, क्योंकि अब और कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में, इधर ही कंटिन्यू करते हैं ना। तो इसमें है क्या ना कि उस वक्त पे हुआ क्या कि जो सी लेवल था ना, ये उतना ऊंचा नहीं था। मतलब कि आज हम लोग देखते हैं ना जैसा समंदर को, कि इतना ज़्यादा पानी है इसमें, पहले एक्चुअली वाटर लेवल नीचे था। ठीक है, अच्छा, अभी वाटर लेवल नीचे था, इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे हमारे जो एंसिस्टर्स थे वो आराम से पार हो जाते थे, इसका मतलब है ना। तो उस टाइम पे कई सारे जो थे वो आइलैंड में रहे, कई सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से कहीं कहीं पे आने लगे। ठीक है, तो इस वजह से हुआ कि अच्छा, अब धीरे धीरे करके जो सी लेवल था वो राइज भी होता चला गया। जैसे जैसे राइज होता चला गया, तो जो आइलैंड पे थे वो वहीं फंसे रह गए। जब फंसे रह गए, तो जिनको जैसे ज़्यादा खाने का रिक्वायरमेंट था, या फिर ऐसा कुछ था, अब जैसे उन्हें खाना नहीं मिला या फिर इस तरीके से, तो ये लोग जल्दी ख़त्म हो गए। ठीक है, और बाकी लोग सरवाइव किए। इस तरीके से ये जर्नी जो है ये चलता रहा। ठीक है, बहुत सारे बचे, बहुत सारे नहीं बचे, लेकिन अब तक का हमारा जो क्लोजेस्ट एंसेस्टर है ना, ये चिंपैंजी है सबसे क्लोजेस्ट। ठीक है, कहा जाता है कि 60 लाख साल पहले एक चिंपैंजी ने दो बच्चियों को जन्म दिया था, जिसमें से एक बच्ची जो है वो होमो सेपियंस निकली। ठीक है, मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो कि वो हमारी पर नानी, पर दादी, कुछ भी आप समझ लो इस तरीके से। ठीक है, आज मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है कि ये जर्नी किस तरीके से चलेगा और इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे। ठीक है, इसमें मैं बहुत डीप जाऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अभी के लिए मैं बस इतना रहने देता हूँ, इसके बाद से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा थोड़ा मज़े भी लेंगे, ताकि मज़ा भी आता रहे। भाई मज़ा आना चाहिए, है ना? तो कीप वॉचिंग टॉस एंड अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, दिमाग से निकल गया था। 1 जनवरी 2001 को ना कैलकाटा का जो नाम है वो ऑफिशियली बदला गया था और इसे कोलकाता रखा गया था। ये जो कोलकाता नाम है ना, ये नाम माँ काली से डेराइव हुआ है, कोलकाता। ठीक है, ये चीज़ मुझे आपको बताना था। और 1 जनवरी को ही एक और चीज़ मैं बताऊँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ये इस्टेब्लिश हुआ था, जो रॉयल चार्टर है ना वो दिया गया था। नहीं, 1 जनवरी नहीं, ये 31 दिसंबर को था, एक्चुअली थोड़ा मिक्सअप हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हेल्दी बने हुए रहिए, अच्छे से रहिए, एंड कीप वॉचिंग टॉस। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉस।